हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है संडे और आज हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं बच्चों की फेवरेट, फैमिली की फेवरेट बेसन की सब्जी। तो बेसन की सब्जी, इसको हम गट्टे वाली कड़ी भी कहते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, हर दिल अजीज होती है, हर एज ग्रुप को अच्छी लगती है और किसी भी मौसम में हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं गट्टे वाली कड़ी। और ये हमारी पंजाबियों की फैमिली में बहुत ही ज़्यादा हफ्ते में एक बार बनने वाली सब्जी होती है, गट्टे वाली कड़ी। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए ये मैं आपको बता। तो बेसन की सब्जी बनानी है तो बेसन चाहिए हमें सबसे पहले, तो ये राजधानी का बेसन है। और उसके बाद और क्या हमें चाहिए मसाले में, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, जीरा, पिसा हुआ धनिया और ये है हमारा रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए, ये हमें 2 से 2.5 चम्मच चाहिए। हरे मसाले देखिए मैंने निकाल रखे हैं, 3 हरी मिर्ची है, 1 प्याज, अदरक का टुकड़ा 2 इंच का और लहसुन इसमें बहुत काफ़ी डल जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में लहसुन की वजह से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है काफ़ी। और ये हैं 2 हमारे पास टमाटर, तो इन सबको हम बारीक बारीक काट भी सकते हैं और टमाटर जो है हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे, इसकी प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए हमने गैस के ऊपर जो है कढ़ाई चढ़ा लिया और इसमें जो पानी है ये गर्म हो रहा है, तो जो बेसन हमने गूंदना है वो हमने इसी कोसे पानी से ही गूंदना है, ठंडे पानी से नहीं गूंदना। तो बेसन हम अंदाजे से लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले डालते हैं मोइन। मोइन इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारे गट्टे हैं काफ़ी सॉफ्ट बने, और ये मोइन कम से कम हमारा 2-2.5 चम्मच होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डालना है नमक, ये मिर्च, हल्की सी हमने जो है हल्दी डालनी है, और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है थोड़ी सी अजवाइन को ताकि एसिडिटी वगैरह ना करे। और इसको हमने अच्छे से मोइन से इसको भी हमने ऐसे अच्छे से गूंद लेना है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, एकदम से सारा नहीं डालना, और उसके बाद इसको अच्छे से जो है हमने गूंद लेना है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हमने बहुत ही टाइट टाइट जो है बेसन का डो बना लिया है। अब इसको हम अच्छे से रसाते हैं। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने कर लिया गोल गोल, ये हमने, ये देखिए इसी तरह ही हमने सारे के सारे जो है, तो ये देखिए हमने बेसन के गट्टे बनाने के लिए ये रोल कर लिए। अब हमने इसको डालना है पानी में उबलने के लिए, तो कम से कम ये 15 से 20 मिनट तक पानी में बॉईल होते रहेंगे ताकि जो ये हमारे बेसन के गट्टे हैं ये सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारे ये गट्टे उबलते हैं तब तक हम अपना हरा मसाला जो है वो काट लेंगे, और इसको खुले में, गैस को सिम नहीं करना, फुल में जो है हमने इसको उबलते रहने देना है। बस तो हमारा हरा मसाला कटकर हो गया है तैयार, और इधर से हमारे जो बेसन है वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है। और देखिए इसको हम तोड़ के देखते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। तो हमने सारे जितने भी ये गट्टे हैं सब निकाल के अलग से थाली में रख लेने हैं। ये जो हमारा पानी है कढ़ाई में ये हमारा तड़के के काम आएगा और तरी बनाने के काम आएगा, तो ये हमने निकाल लिया। हमने एक कढ़ाई और रख ली है तड़के के लिए, और इसमें डालते हैं हम रिफाइंड ऑयल। ये देखिए हमारी कम से कम हमने 1.5 कड़छी जो है रिफाइंड ऑयल डाला है।
इसको गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। और ये जो बेसन के हमारे ये गट्टे हैं इसको हमने काट लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। जितना हमारे गट्टे बॉईल होने में गलते हैं बस उतने ही रहते हैं, तरी में पकने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं गलते। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे बेसन के गट्टे हैं ये अच्छे से गल जाने चाहिए। तेल हमारा गर्म हो गया है, सबसे पहले हम डालते हैं इसमें अदरक और लहसुन जो हमने बारीक बारीक काट रखा था, और इसको हल्का सा ब्राउन होने तक जो है हमने भूनना है। अब हम डाल रहे हैं इसमें प्याज, प्याज को भी हमने ब्राउन होने तक जो है पका लेना है। तो देखिए प्याज हो गया है ब्राउन, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हल्दी, आधा चम्मच डाली है, और सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ ये कम से कम हमने 1.5 चम्मच डालना है, और इसको उसके बाद हिलाना है। हल्दी और सूखे धनिया को पहले से ही हम पका लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्च। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला था, और उसके बाद हमने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। ब्राउन होने के बाद हमने डाल दिया हमने प्याज, प्याज भी जब ब्राउन हो गया तो हमने हल्दी और सूखा धनिया लेके उसको पका लिया, और उसके बाद इसमें डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ये नमक डालेंगे स्वादानुसार, और डालेंगे हम लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर हम तीखी नहीं खाते हैं तो कम डाल के बाद में देगी मिर्च को ऐड कर सकते हैं कलर देने के लिए। ये देखिए ये हमारा मसाला, और हल्का सा मसाला को पकाने के लिए डालेंगे 1 कड़छी पानी। तो ये पानी जब पूरा सूख जाता है तो उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन के गट्टे। तो इसको हम पकने का इंतज़ार करते हैं 2 से 4 मिनट तक। अब इसमें डाल देते हैं हम ये बेसन के गट्टे। तो देखिए सब्जी की शक्ल काफ़ी अच्छी है। गट्टों के अंदर अच्छे से मसाला जो है रसमस जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें फिर से थोड़ा सा पानी डालकर पकाना है। 1 कड़छी जितना पानी डाल दिया है। पानी के सूखने तक हम इंतज़ार करते हैं। जब हमारे घर में कोई सब्जी नहीं होती है तो उस टाइम हमारे सामने ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम बेसन की गट्टे वाली कड़ी बनाकर अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएं। तो देखिए दोस्तों पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारे घर में एक बच्चा ऐसा है जिसको ऐसे ही ये गट्टे वाली कड़ी पसंद है, मीन सूखी सूखी बगैर रसे की। तो उसके लिए हम थोड़ी सी निकाल लेते हैं। बच्चे के लिए हमने जो है ये कड़ी सूखी निकाल ली है। अब बाकी जो ये कड़ी है इसके अंदर हमने ये जो बॉइल्ड पानी था हमारा ये सारा का सारा हमने डाल देना है। तो ये पानी ऑलरेडी पका हुआ है, बस 1-2 उबाले आने के बाद ही तरी हमारी पक जाएगी। तो 1 उबाल आने तक हम इसको फुल पे ही रखते हैं, और जैसे ही हमारा 1 उबाल आता है उसके बाद हमने गैस को कर देना है सिम, और उसके बाद कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको कम आंच पे इसको पकने देते हैं ताकि जो हमारा ये ऊपर घी है ये उड़े ना। बहुत तेज़ आंच में ये घी जो है वो उड़ जाता है, तो इसलिए हमेशा तरी पकाते हुए कभी भी हमें तेज़ आंच में तरी को नहीं पकाना चाहिए, कम आंच पे ही हमें तरी को पकाना चाहिए। तो बस ये उबाला आने वाला है उसके बाद हम इसको ढक देंगे और गैस को कर देना है सिम, और 5 मिनट तक हमने इसको अब जाना है भूल, और 5 मिनट के बाद हम अपनी सब्जी की शक्ल देखते हैं।
तो ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल हो गई है रेडी, तरी भी हमारी पक गई है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गट्टे वाली सब्जी जो है, बेसन के गट्टे वाली सब्जी कैसी लगी। इसको बनाना है बहुत ही इजी और खाने में है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसके टेस्ट को और बढ़ा देते हैं। तो मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और गट्टे की सब्जी का अपना ही मज़ा लीजिए।